त्यां किछु कर्म न जाना न निर्मल करणी साध संगत के अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरणी गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगतियो गुरु फतेह परवान करो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहिब जिन्हां दे अगमी बोल कि मनुख दा जिहड़ा मन है ओ भुलिया होया है कुराहे पै गया। हुण इस गल नूं कौण मन्नेगा कि मैं कुराहे पै गया। कहिंदे ने बहुत थोड़े हन जिहड़े इस गल नूं कबूल कर लैंदे ने कि असीं कुराहे पै गए हां। जे इस तों मैं इस तरह अर्ज करां एक मनुख बैठा है कथा सुनदा पिया है ते कथा सुनदियां सुनदियां उसनों नींद आ जाती है सौ जाता है ते कथावाचक उसनों कहिंदा है भाई पुरखा तू सौ गया। कहिंदा है कौन कहिंदा है? सारी संगत बड़ी हैरान हो गई है सुत्ता भी पिया है फिर भी कहिंदा है कौन कहिंदा है? संत कहिंदा मैं कह रहा। कहन लगे नहीं मैं सुत्ता नहीं। पंज को मिंटां बाद फिर उहदी अख लग जांदी है। संत जी फिर कहिंदे ने भाई पुरखा तू सौं गया। कहिंदा कौन कहिंदा है मैं सौं गया? संगत फिर हंसदी है कि एक गुनाह तो यह किया कि कथा सुनदियाँ सुनदियाँ सौ गया। दूजा गुनाह यह किया कि अपनी गलती कबूल नहीं करता पिया। ये दूजा गुनाह। कथा चलती रही दस मिनट बाद फिर उसनों नींद आ जाती है ते संत तो संत आते ने कहिंदा है पुरखा जगदा पिया है। कहिंदा कौन कहिंदा है? कौन कहिंदा है? संत कहिंदा है हुण भी नहीं मंदा पिया। जिहड़ा मनुख कबूल कर लवे उहदे गुनाह बख्शे जांदे ने। जिहड़ा कबूल कर लवे जिहड़ा कबूल ही ना करे कहिंदे ने उहदे गुनाह नहीं बख्शे जांदे। जज भी कई दफा कह देंदा है तू गुनाह कीता है। मनुख कहिंदा नहीं कीता जदों के कीता है। तो फिर जज कहिंदा है 500 रुपये जुर्माना क्योंकि तू गुनाह कीता है। तो मनुख कहिंदा है महाराज थोड़ी रहमत कर दो जुर्माना थोड़ा जिहा घट कर दो। जज की कहिंदा है हुण 500 दी थां ते 1000 रुपया जुर्माना हो गया। बोल अगे बोल। जितनी दफ़ा तू कहेगा कि हरजाना घट कर दवो मैं उतनी दफ़ा हरजाना वधा नहीं जावांगा। तो जे किधरी तू पहला ही कबूल कर लेंदा मैं गुनाह कीता है हो सकता है मैं 500 रुपये जुर्माना भी ना पाँदा तेरे ते तेन छड़ देंदा। मैं तू कबूलिया नहीं। गुरु तेग बहादुर साहिब दे बोल ने को माई भूलियो मन समझावे। मन भुल गया है। मन इस तरह भुल गया है
कि दुनियावी पदार्थों के पिछे लग के मनुख भुल गया भुल गए। तो गुरु साहिब महाराज के बोल की कहिंदे ने कि अज का जिहड़ा समां है, अज का जिहड़ा माहौल है, कहिंदे ने दुनी के बदले अपने दीन नूं भी बर्बाद कर देंदा है, तबाह कर देंदा है। और अजोके समय दे विच गुरु साहिब कहिंदे ने भाई बंधी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। बस धन चाहिदा है, धन चाहिदा है। किस तरह चाहिदा है? हुणे ही बच्चे ने गल दसी कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी धन पिछे, धन पिछे। मित्र ने मित्र का कतल कर दिता धन पिछे, भरा भरा कतल कर दिता धन पिछे। और इन्हों कौन दसे कि अखीर विच ये धन भी तेरे नाल नहीं जाएगा, तेरे नाल नहीं जाएगा। पर हाँ, जिस ढंग नाल तू दौलत इकट्ठी की है, ये संस्कार तेरे नाल जाणगे, नाल जाणगे। और जिस तरह के संस्कार होणगे, आप जी नूं अर्ज करा, उसी तरह की प्रलभता होगी। जिस तरह की प्रलभता होगी, उसी तरह का फल आप जी की झोली विच पै जाएगा। फिर मनुख कहिंदा ये की हो गया, ये गुरु ने की किया, ये रब ने की किया। हुण इस मनुख नूं कौन दसे कि रब ने कुछ भी नहीं किया, गुरु ने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया सी तू किया सी तेरे कर्म ने। क्योंकि साहिब बाणी विच कह रहे ने ददा दोष न देउ किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दीजे अवर जना, मैं दोष गुनाह किया सी मैनु फल मिलिया। गुरबाणी पुकार पुकार के कह रही है कोई ऐसा गुरमुख मिले जो इस भुले हुए मन नूं समझावे। मैं अर्ज करा इस भुले हुए मन नूं कौन समझाएगा? जिहड़ा आप जगदा होवे वह किसे नूं समझाएगा? जो आप सूझवान होवे वह किसे भुले हुए नूं समझाएगा? जिहड़ा खुद ही राह भुल के बैठा होवे वह दूजे नूं की समझाएगा? नहीं समझाएगा, समझा ही नहीं सकदा। क्योंकि खुद नूं खुद की खबर नहीं है कि मैं कित्थे हाँ, तो वह दूजे नूं राह की दसेगा? नहीं दसदा। जां इस तरह कह दवो, गुरु जिन्हां का अंधला चेले नाहीं ठाउ। जे गुरु ही अन्ना होवे तो चेले नूं फिर ठिकाणा कित्थे मिलेगा? नहीं मिल सकता। राह कौन दसेगा? तो धन गुरु ग्रंथ साहिब के जो इलाही बोल हन, एक एक बोल कीमती ने, एक एक बोल इलाही बोल ने, निरंकारी बोल ने, निरंकारी। क्योंकि मन की जिहड़ी फितरत है, मन का जिहड़ा सुभाव है, वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुन गावे। वेदां का पाठ भी करता है, पुराणा का पाठ भी करता है, धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करता है, साधुओं के बचन भी सुनता है, पर एक निमख भी नहीं सफर करता, एक निमख भी नाम नहीं जपता, एक निमख भी नहीं तुरदा, तुरदा ही नहीं। क्योंकि कितने ही ऐसे लोग ने गुस्ताखी माफ, जिन्हों सत्तर सत्तर साल हो गए संगत कर दिया कर दिया, जिथों सफ़र शुरू किया सी उत्थे दे उत्थे खड़े हुए ने, पर गुरुद्वारे रोज़ जाते ने बगैर नागा, मंदिर रोज़ जाते ने बगैर नागा, बंगला साहिब रोज़ जाते ने गुस्ताखी माफ बगैर नागा, पर जीवन उत्थे दा उत्थे ही है, एक कदम भी नहीं तुरे, एक कदम भी। कहिंदे ने चंगा है जिहड़ा कदे गुरुद्वारे आया ही नहीं, तुरिया वो भी नहीं, तो तुरिया तू भी नहीं,
ना वो मंजिल ते पहुंचिया ना तो मंजिल ते पहुंचिया, कोई फायदा नहीं। तो वेदों के धार्मिक ग्रंथों के बोल सुन के फिर उस मार्ग ते चलना है आप जी ने, क्योंकि गुरु नानक साहिब दे बोल हन, बाबा जय घर करते कीरत होए। ऐ बाबा, कितना प्यारा लफ्ज है। तो मैं आप जी नूं कह दवां, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे बाबा, आप जी ने कहना है कि कितने अदब दे नाल सानूं बोल रहे हैं। पर जदों गल करिए गुरु नानक साहिब महाराज दी, आप जी नूं कहंदे पए ने ऐ बाबा, गुरु नानक साहिब कह रहे ने बाबा आप जी नूं, जदों कि ये बाबा अल्फाज धन गुरु नानक साहिब महाराज नूं अरब देश तो मिले है। अरब देशां दे लोकां ने गुरु नानक नूं कहा कोई बाबा है, और बाबे तो भाव बहुत वड्डा, बहुत वड्डा। ते उही प्यार गुरु नानक साहिब महाराज साडी झोली विच पा रहे ने, बाबा जय घर करते कीरत होए। जिस घर विच कीरत हो रही है, जिस घर विच गुरु दे बोल चल रहे ने, सो घर राख उस घर नूं दिल विच बिठा। बस इहदे विच ही तेरी वडियाई है, इहदे विच ही तेरी सिफत है। गुरु दे बोल सुन के ते उस नूं हिरदे विच वसा। मैं एक छोटी जी होर अर्ज करां, सारे दे सारे धर्म मुबारक ने, फिर वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, सारे मुबारक ने, सारियां नूं नमस्कार है सारियां। पर अजो के समय दे विच एक बहुत वड्डी दुर्गति हो रही है, मैं आप जी दे सामने रखा, ते उहदा मूल कारण की है कि साढ़े जो सिख हैं उन्हों की गिनती घटती जा रही है, जेडे ईसाई हैं उन्हों की गिनती वधती जा रही है, वधती जा रही है। इहदा जिम्मेदार कौन है? हुण आप जी जे किधरे गौर मुताला करो, जिम्मेदार कौन है इहदा? सिखां की गिनती घटती जा रही है, घटती जा रही है। और जेकर मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। अरब देश की गल है, शेख नूं किसी ने सवाल किया कि अपने जीवन दे बारे कुछ दसो। तो शेख की कहिंदा है, जिथों तक मैनूं खबर है मेरा दादा ते मेरा प्यो दोवें ही सफ़र करते सी ऊंट ते। ध्यान दे नाल सुनना, ऊंट ते सवारी करते सी। घर विच गरीबी सी, औखा समा सी। उस औखे समय ने मेरे पिता नूं, मेरे दादे नूं इतना ताकतवर बनाया, इतना ताकतवर बनाया कि उसने साडे वास्ते सौखा समा लिया के साडे सामने रख दिता। अज मैं बहुत कीमती गड्डी विच सफ़र करदा, मर्सिडीज़ कार विच मैं सफ़र करदा। गाहां मेरा पुत्र रोल्स रॉयस दे विच सफ़र करदा है, मेरा पोतरा बेशक उहदी छोटी उम्र है पर वह भी अपने बापू नाल गड्डी विच बैठदा है रोल्स रॉयस विच, वह भी कोशिश करदा है मैं भी चलावां। पर हाँ, इस तो अगां जिहड़ा मेरा पड़पोतरा होएगा वह फिर तो ऊंट की सवारी करेगा, वह फिर तो ऊंट की सवारी करेगा। मैं फिर अर्ज करा, गरई नाल गल नूं समझना, गरई नाल गल नूं पकड़ना। लेखक कहिंदा है कि तेरे दादे ने, तेरे पिता ने ऊंट ते सवारी कीती, गाहां तेरा पड़पोतरा फिर ऊंट ते सवारी करेगा, ऐसा क्यों, कारण की है, तेरा मैनू कारण दसो।
ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਵਕਤ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗਾ। ਊਂਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਊਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਊਂਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਕਰਮਠ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਪਰ ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਬਾਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਤਨੀ ਮਸੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਤਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਿਤਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਭਰਨ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੋਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜੋਸੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
और पड़ोसी जेकर बिल्कुल तंदुरुस्त है आर्थिक दुनिया विच, फिर खून का रिश्ता देखना, अपनी भैन अपना भरा वो गरीब है उहदी उंगली फड़ना, उंगली फड़। तो उस ईसाई धर्म दी टीचर नूं कहा गया तू हिंदुस्तान जा, वध तो वध लोकां नूं ईसाई बना, जितनी दौलत चाहिए वह भी देना, पर एक कम करना, पुणे की धरती ते नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना। तो वह कहती ऐसा की है पुणे दे विच, मैं ना जावां उत्थे प्रचार करन वास्ते। कहन लगे नहीं उत्थे नहीं जाना, उत्थे आचारी रजनीश रहिंदा है, जे किधरे उहदी कथा तो सुन ली तो तू अपना भी धर्म छड्ड बैठेंगी, उहदी कथा नहीं सुननी। तो वो टीचर की कहती है, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने धर्म में इतनी पक्की हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक दफ़ा कथा सुनांगी जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो दिल्ली पहुँचती है, पहला मन बनाती है मैं सब तो पहला पुणे ही जावां, पहुँच जाती है, पहला ही प्रवचन सुनती है, पहले दिन की ही कथा सुनती है, और आचार्य रजनीश नूं कहंदी है महाराज मेरे ते कृपा करो, नाम दान मैनू भी बख्शिश करो, अज तो बाद मैं तेरा ही प्रचार करना है, एको ही कथा दे नाल। मैं इस करके अर्ज कर रहा कि इस तरह के विद्वान कथावाचक साडे धर्म विच होने चाहिए ने, विद्वान प्रचारक, कोई PhD होवे, कोई DLIT होवे, कोई MPhil होवे, इस तरह के प्रचारक हो, पर उन्होंने बनाएगा कौन, असी मदद करांगे तां बनणगे। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कहंदे ने वेद पुराण साध मग सुनकर निमख न हर गुण गावे, तो निमख भी गुरु दे नाल नहीं जुड़िया। निमख कहंदे ने अखां बंद करनियां, अखां खोलनियां, ये निमख। आप जी ने कहना ज्ञानी जी असी तो घंटा घंटा दो दो घंटे बैठे रहते हैं कथा सुनते हैं, इतने निमख की गल की कि निमख भी नहीं जुड़े असी। इसको मैं थोड़ा जहा विस्तार देव, बेशक तन करके बैठे सी कथा सुनते पे सी, पर जरूरी नहीं है कि मन भी इसी तरह समाधि विच हो गए, जरूरी नहीं है, मन की अपनी कथा चल रही है। बेशक असी शांत हो के बैठे हाँ, जिवें एक छोटा जिहा बच्चा कहिंदा ओ शोर मचा रहा सी ते मैं बच्चे नूं धमकाया, बच्चा शांत हो के बैठ गया, ते मैं उस बच्चे नूं कहा हुण वी तां तूं बैठा शांत हो के, कहिंदा शांत हो के नहीं बैठा, मन ही मन विच मैं तैनूं गालां कढ़दा पिया, मन ही मन दे विच, मन दा कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। शरीर बैठा है कीर्तन दरबार विच, मन कितने होर बैठा हुआ है। जे किधरे एक निमख भी एक पल भी जे साड़ी चेतना जुड़ जाए, एक पल भी एक छिन भी, तो कहिंदे ने बरसात हो जाती है उहदी रहमत दी। बरसात तो हो रही है पर वो साड़ी रूह जिहड़ी है भिज जाएगी उस इलाही अमृत नाल। दुर्लभ देह पाए मानस की, बिरथा जन्म सिरावे, बिरथा ही तेरा जीवन जा रही है, बिरथा। और जेड़े जेड़े सांस खत्म होते जा रहे ने वो मुड़ के नहीं आएंगे। फिर साढ़े मुल्क दे महान कवि तुलसीदास जी एक गल कहंदे सी, तुलसी विलंब न कीजी है भज लीजे रघुवीर, तन तरकश से जात हैं सांस सरीखे तीर। तीर निकलते जा रहे ने, निकलते जा रहे ने, जिहड़ा भी तीर निकल गया वो तीर वापस नहीं आएगा, जिहड़ा साह निकल गया वो वापस नहीं आएगा। और जिस दिन ये तरकश खाली हो गया उस दिन की होएगा, सांस खत्म हो गए, तरकश खाली हो गया, जदों तरकश खाली हो गया
ते गुस्ताखी माफ। फिर आद घरी कौ ना राखत घर ते देत निकार। कढो इसनु बार, बार कढो इसनु। आद घरी की हो गया इतनी देर विच कि जिन्हां दी तो उड़ीक करदा सी, शाम आउंदी सी जिन्हां दी तो उड़ीक करदा सी, बापू हाले नहीं आया, माँ हाले नहीं आई ऑफिस तो, मेरा पुत्र हाले नहीं आया स्कूल तो, उन्हां दे बगैर तू रोटी नहीं खांदा सी, उन्हां तो बगैर चाह नहीं पींदा सी, बाहर बैठ जांदे सी, हाले बापू नहीं आया। अद्धा घंटा हो गया, घंटा हो गया, बापू ने आना था मैं लंगर छकना, पर अज की हो गया कि बापू नू आद गरी को ना राखत घर ते देत निकार। की हो गया इसनू? कहने लगे जो सांसां दी पूंजी सी वो चला गया, जो रूह सी वो चली गई। कहंदे ने चंगा होवेगा, जदों तक बापू दे शरीर विच रूह है उदों तक पैरां ते मत्था टेक ले, जदों रूह निकल गई फिर छाती ते मत्था टेक के भी तो रोएगा कुछ नहीं मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। जदों तक माँ मौजूद है, जीवंदी है, पैरां ते मत्था टेक, जदों माँ ने चले जाना फिर भावें ओदी छाती ते मत्था रख के तू रोई जा, फिर कुछ भी पल्ले नहीं पएगा। बस इसी तरह दा तेरा जीवन बतीत होवे। माँ दी अरदास, पिता दी अरदास, मित्रां नाल मोहब्बत, सारी मखलूक दे नाल मोहब्बत। साच कहूँ सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।